अहमदनगर में 20 से 23 नवंबर तक आयोजित 17 वर्षीय छात्रा वर्ग के 65वें नेशनल स्कूल गेम्स 2019-20 की वॉलीबॉल विजेता रही राजस्थान टीम के खिलाड़ी एवं डूनलोद विद्यापीठ की 9वीं की छात्रा टीना चौधरी का मंगलवार को डूनलोद पहुंचने पर विद्यापीठ परिसर में शानदार स्वागत किया गया। रोशनी कर्नाटक ने टीना का तिलकार्चन किया तथा डीवीपी के मुख्य सलाहकार रमाकांत शर्मा, प्राचार्य सतीश चंद्र कर्नाटक, संस्था सचिव मुकेश पारिक, संयुक्त सचिव सीताराम जिनकर, प्रबंध समिति के सदस्य हुसैन खान, अनिल जसरापुरिया ने माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर टीना का स्वागत कर शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर डीवीपी के वॉलीबॉल कोच रामकरण सिंह, टीना के माता पिता विजयपाल एवं सुनीता देवी महिला का भी तिल का अर्चन, माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। टीना चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व परिजनों का आशीर्वाद, कोच रामकरण सिंह का मार्गदर्शन एवं डूनलोद विद्यापीठ में मिले सकारात्मक वातावरण को दिया। इस अवसर पर टीना के परिजन संतोष देवी, सुमन देवी, अनिल, संजय शर्मा, शारीरिक शिक्षक विकास भार्गव, अशोक सैन, पंकज डांगी, सुरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार शर्मा, अखिलेश कुमार, पूनम शर्मा, त्रिलोक सिंह, ललित दैया, महेश सैनी मौजूद रहे। छात्रा नेशनल में अपने स्कूल की माता पिता की कोच की मेहनत से पहुंची, स्टेप बाई स्टेप स्कूल के वातावरण की वजह से मैं सबको अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। जो बेटी टीना है तो स्कूल की अपने मामा मम्मी पापा की तो पूरे परिवार की झूलनों की व्यवस्था पर जो शीघ्रता किया है उसके ऊपर वॉलीबॉल की नेशनल विजेता राजस्थान टीम की खिलाड़ी टीना चौधरी का डूनलोद विद्यालय परिसर में स्वागत करते हुए डीवीपी परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। टीना चौधरी ने दिनांक 20 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित 17 वर्षीय छात्रा वर्ग के 65वें नेशनल स्कूल गेम्स जो अहमदनगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था उसमें भाग लिया था और हमें हर्ष है कि राजस्थान वॉलीबॉल छात्रा 17 वर्षीय टीम ने पहली बार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक पाकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार टीना चौधरी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती है एवं टीम के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती है।